अब तक बोलता है ये भी देखना अभी बाकी। चलेंगे मिस्टर नवीन के लिए। चलिए इस ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 10 ओवर की समाप्ति पे 188 रन। और ये गजब का वार्ड एम्पायरिंग के द्वारा इशारा। अब नवीन जी से कि पिछले ओवर में लंबे लंबे छक्के लगाए थे, इस ओवर में लगा पाते हैं या नहीं ये अभी देखना बाकी। लेकिन फिर से प्रयास सचिन के द्वारा कि अच्छा किया जाए, लेकिन दो लंबे लंबे छक्के सचिन के ओवर में आता हुआ और अभी एक दो बॉल और शेष। और ये भी खेलना चाहे लेकिन हो जाएंगे कैच, यहाँ पे फील्डर कोई मिस नहीं करेंगे। नवीन के रूप में बहुत बड़ी विकेट का पतन होता हुआ हेमचापुर चांटोला का टीम का। कहते हैं ना भैया नहला पे दहला, नवीन से भी खतरनाक पावर हिटर नीतीश राणा आए हैं रिक्त स्थानों को पूर्ति करने, लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए अभी मशहूर। देखते हैं कब तक लंबे लंबे छक्के लगाते हैं सचिन के ओवर में। चलेंगे राणा के लिए और ये भी खेलना चाहे और खेल भी गए छक्का की दिशा में। अय्या गजब। अब ये अभी एम्पायर का डिसीजन आना बाकी। इस शॉट से एक रन से ही संतुष्ट होना होगा हेमचापुर चांटोला का टीम का। अब इस ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 130 रन। अब फिर से स्ट्राइक पे आएंगे कुंदन सॉरी नीतीश राणा। मैं जिसे बता दूं जिस तरह से नवीन कुमार लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर, इस तरह से नीतीश राणा भी लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर। अब होंगे स्ट्राइक पे नीतीश राणा, क्योंकि पिछले ओवर की लास्ट बॉल पे नीतीश राणा ने सिंगल चुरा करके अपने ही पास स्ट्राइक रखेंगे और अब बॉलर आएंगे सिट टू। नीतीश राणा बॉलर होंगे सिट टू। बहुत ही अनुभवी एम्पायर कहा जा सकता है पे विकेट कैप्टन को, क्योंकि गांव का मैच है, हर एक टीम में से एक एम्पायरिंग रहना जरूरी। यहाँ आप देख सकते हैं मिस्टर राजा, ये भी बहुत ही अच्छे एम्पायरिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते भी हैं और क्रिकेट प्रेमी भी हैं। अभी फिलहाल राणा होंगे स्ट्राइक पे और बॉलर होंगे सिट्टू। चले अपने ओवर का फर्स्ट बॉल लेके आएंगे सिट्टू और ये खेलना चाहे लेकिन एक रन से संतुष्ट होना होगा। नौ बॉल एम्पायर का सारा नौ बॉल और एक रन सिंगल भी चोरी करेंगे। अपने फर्स्ट बॉल में ही सिट्टू नौ बॉल करते हुए नजर आए हैं अभी तक। फिलहाल इनका लय आज खराब साबित हुआ है, लेकिन इस ओवर में देखते हैं किस तरह का बॉलिंग कर पाते हैं मिस्टर सिट्टू। और सामने के स्टाक पे कुंदन। चलेंगे सिट्टू, बैट्समैन होंगे कुंदन और बहुत ही अच्छी गेंद कही जा सकती है यहाँ पे सिट्टू के द्वारा। यहाँ पे बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन कही जा सकती है हेमचापुर टीम के बैट्समैन द्वारा। बहुत ही सूझबूझ के साथ यहाँ पे बैटिंग करते हुए नजर आते हैं यहाँ पे हेमचापुर का टीम। और वहीं कम नहीं नहले पे दहला कहा जा सके तो हेमचापुर चांटोला वर्सेज छोटी लगना। चलेंगे सिट्टू, सामने होगी स्टाक पे कुंदन और ये उठा दिए हैं, कैच भी हो सकता है कुछ भी और बार बार मिस। आँख पे धूप का रोशनी आने के कारण कैच से बचे कुंदन। चलेंगे सिट्टू, बैट बदलते हुए नजर आए अभी तक नीतीश राणा और बहुत ही अच्छी बॉल कही जा सकती है यहाँ पे नीतीश राणा के द्वारा। और वहीं पे बॉल कोई कम नहीं, बार बार लगातार हुकाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे सिट्टू। चलेंगे सिट्टू नीतीश राणा और बार बार तार लगातार अच्छी करने की प्रयास, सिंगल ही चोरी पक्का पाएंगे। दो रंग चुराते हुए नजर आए यहाँ पे सिट्टू के बॉल पे नीतीश राणा।
बहुत बड़ी वाइड खींच जा सकती है यहाँ पे सिटी के द्वारा। टेस्ट में सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए नजर आते हैं पे नीतीश राणा। देखा कि जैसे ही देखा कि बाहर बॉल है मत छेड़ो, फिर कहने दो एक रन, नेक्स्ट बॉल पे ट्राई करेंगे। और कवर की दिशा में खेले हैं, वहाँ पे फील्डर मौजूद, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा राणा को। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सूझबूझ के साथ फील्डिंग भी किया जा रहा है छोटे लम्हा के टीम के द्वारा। आप देख सकते हैं ग्राउंड की इस तरह से है, यहाँ पे स्टूडेंट भी बने हुए हैं, अभी टाल दर्शक स्कूल नहीं लगा इसलिए। आप लोग बहुत ही अच्छी शॉट्स, दंडनाता हुआ चार रन, नीतीश राणा चुराने में सक्षम। बार बार लगातार अच्छी करने की कोशिश, यहीं पे नीतीश राणा 8 बजे की दिशा में खेले शॉट्स चार रन के लिए। अब फिर से चलेंगे जीता, सामने होंगे फर्स्ट में राणा, एम्पायर के द्वारा वाइड का इशारा। यहीं पे रुपेश पे जो विश्वास था उस पे तो खड़े नहीं हो पाए, मात्र एक ही छक्के लगाए और अपने विकेट का पतन करते हुए वहीं पे चलेंगे जीता के लिए। नीतीश राणा गजब का शॉट्स, लगातार छक्के चौके खेलते हुए नजर आ रहे हैं पे नीतीश राणा। अपनी टीम का नैया को पार लगाने के लिए सक्षम जाने जाते हैं नीतीश राणा। जिस तरह से नवीन मशहूर लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए, उसी तरह से राणा आज थोड़ा ले खराब नजर आ रहा, फिर भी लंबे लंबे छक्के चौके खेलने का प्रयास करते हुए, और एक दो छक्के तो अभी तक में लगा चुके हैं नीतीश राणा। चलेंगे फिर से जीता, सामने होंगे बैट्समैन राणा और गजब का वाइड कहा जा सकता है पार का इशारा। और कवर की दिशा में खेलना चाहे, चार रन के लिए खेल गए नीतीश राणा, वही फील्डर मौजूद होते हुए भी फील्डर से मिस। और फील्डर कोई और नहीं कहा जाए तो छोटी लगमार टीम का कैप्टन मिस। जब ऐसे ऐसे कैप्टन करते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्लेयर का दिल टूटता है। और चार रन जब तक क्या भाई, भैया भैया भैया, अरे रुक जाओ, अभी स्वर करो, वेट करो, अभी लंबे छक्के लगेंगे भैया, नीतीश राणा कह रहे हैं। और लगा भी दिए लेकिन चार रन लगाए यहाँ पे, बहुत बड़ी शॉट्स कही जा सकते हैं नीतीश के रन ने, छक्का चौका भैया, गजब का शॉट्स नीतीश राणा के बल्ले से आता हुआ। वहीं पे कुंदन बैट पकड़ते हुए भी लग रहे हैं कि दर्शक बन चुके हैं नीतीश राणा का, भैया तुम उधर ही रहो मैं मार के देख लूंगा। लंबे लंबे छक्के चौके लगा रहे हैं फिलहाल नीतीश राणा। फिर से, अरे भैया ये कैच हो सकता है, हो भी गया लगता है, हो भी गया, सचिन के कैच लपक लिया नीतीश राणा के द्वारा। अब चलेंगे भैया अंत भला तो सब भला, कहते हैं ना लास्ट में एक दो छुपा रुस्तम के रूप में रहते हैं, अभी भी खुशी उसी तरह का है। अभी फिलहाल भैया हमजापुर चाटला के टीम में हर एक बैट्समैन है और बॉलर। चलेंगे और गजब का शॉट खेलना चाहिए भाई, लेकिन बाल बचे, कोई बात नहीं, लास्ट बॉल था। अभी का दिल बहुत बड़ा दिल दरिया है, बारह ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 157 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अब इसी के साथ फर्स्ट इनिंग की पारी खत्म होते हुए और चलेंगे अब लगवा टीम का बैटिंग। भैया हम तो एक ही इनिंग का शूट कर पाएंगे क्योंकि भैया हम तो खिलाड़ी और खिलाड़ी कमेंट कर नहीं सकता, इसलिए चलेंगे। आप जीत होती है यार ये डायरेक्ट आपको हम बताएंगे।